बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पंचकुला में हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा की कमान संभालेंगे। विधायकों की मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने ही विधायक दल के नेता और हरियाणा के नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया। तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने नायब सिंह सैनी को बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत है। साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा में जो 36 बिरादरियां हैं उनका भी यहां पे सहयोग मिला। बीजेपी ने हरियाणा को करप्शन मुक्त यहां पर किया है। साथ ही यहां पे बड़ी बात यहां पर कही गई नायब सिंह सैनी की ओर से। क्या कुछ कहा गया है नेता चुनने के बाद, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और सीधे ग्राउंड जीरो से पुनीता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता, किस तरीके से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और एक बार फिर से नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई हरियाणा की? पुनीता, बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यही है आज की कि नायब सैनी को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मैं अभी देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर ही हूँ। अंदर अभी अमित शाह मौजूद हैं, मोहन यादव भी अंदर मौजूद हैं। अभी भी अंदर जो है चर्चा विधायकों के साथ जारी है। लेकिन आपको ये बता दें कि देखिए जिस तरीके से लगातार उनके नामों की चर्चाएं तेज थी और आखिरकार यानी कि सर्वसम्मति से आज उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। कृष्ण बेदी विधायक है, अनिल विज है जिन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद सभी विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जताई है और थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया जाएगा। राजभवन जो है तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे थोड़ी देर, 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब यहां से निकलकर राजभवन सभी विधायक जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके बाद कल 11 बजे का समय है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस शपथ ग्रहण समारोह को भी भव्य रूप देने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोगों की जुटने की वहां पर संभावना। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और कई केंद्रीय मंत्री जो है उस
शपथ समारोह में शामिल होंगे। और इसके बाद आपको ये बता दें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चुनाव जो है वो नायब सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा गया, और बार बार यही कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो सीएम जो है वो नायब सैनी ही बनेंगे, और इस पर आज मुहर भी लग गई है। और आपको ये बता दें कि लगातार जिस तरीके से नायब सैनी बहुत, यानी कि 2014 की बात करें तब पहली बार वो विधायक चुनकर आए थे, इसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र से पहली बार सांसद बने, 2023 अहम जानकारी दे रही है यहाँ पे कि जिस तरीके से वरिष्ठ विधायक की ओर से नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, इसके बाद तमाम विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई, अमित शाह की ओर से नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर दिया गया। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने के बाद अब हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, लिहाजा नायब सिंह सैनी के नाम पर एक बार फिर से मुहर लगाई गई है, यानी कि आज नाम का ऐलान हुआ है और कल होगी सुपर शपथ। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरियाणा में नायब ही बीजेपी के नायक। हरियाणा के लिए आज अहम दिन है, प्रदेशवासियों को आज नया सीएम मिल गया है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम का ऐलान किया गया। वैसे तो तय था कि नायब सैनी ही सीएम होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग में शामिल हुए, और उन्होंने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। लगातार तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और। तो अब यह तय है कि नायब सिंह 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारी की गई। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के पहले हरियाणा के शपथ ग्रहण को बीजेपी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि नायब सिंह सैनी ही जीतने के बाद अगले सीएम होंगे। उधर अनिल विज और राव इंद्रजीत का नाम भी सीएम दावेदारों में था, और उन्होंने खुद इच्छा भी जताई थी। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने खुद एक तरफ से अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। दरअसल हरियाणा में बीजेपी तर्कों से वार पलटवार, संवाद किसका दमदार, राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।